और बाकी भी सहरसा और भोजपुर दो और शहीद हुए बिहार के, उन दोनों के भी परिवार के लोगों से मिलने के लिए जाऊंगा। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री राहत कोष से 25 लाख रुपए का चेक और बिहार सरकार की ओर से 11 लाख रुपए का चेक, यह भी हम लोगों ने उनको देने का काम किया है। और 36 लाख रुपया बिहार सरकार की ओर से मंजू देवी के नाम से दिया गया है। सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि इनके परिवार के किसी एक व्यक्ति को और सरकारी नौकरी भी दी जाए। सेना की ओर से भी जो मदद है वो मदद जो है इनको मिलेगी, लगभग कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपये से के आसपास की मदद जो है केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार की ओर से दिया जाएगा। लेकिन मित्रों, शहादत की कोई कीमत नहीं होती। हम करोड़ों के भी मदद कर दें तो लौट के नहीं आने वाला है। और अभी उनके पिताजी से जो बातचीत हो रही थी, ईश्वर करे हर पिता इतना मजबूत हो, और जो हिम्मत उन्होंने दिखाई है उनके पिताजी ने, वो ये दर्शाता है कि जो शहीद है, जो लोग शहीद हुए हैं उनके परिवार में चले जाने के बावजूद पूरा परिवार इतनी मजबूती के साथ उनकी शहादत के पीछे खड़ा है। और उनके पिताजी ने बताया कि जो उनको जानकारी मिली उनके अन्य सहयोगी के द्वारा, इनके बेटे ने 7 लोगों को मारने का काम किया, 4 लोगों को तो वही मार दिया और 3 लोगों को या 4 लोगों को बुरी तरह से घायल कर दिया। और जिस जगह पर यह घटना घट रही थी, ये कोई समतल इलाका नहीं है, 14,000-15,000 फीट की ऊंचाई का इलाका है जहाँ पर जगह बहुत कम थी। और उसी में जो सूचना मिल रही कि लोग फिसल कर गिर गए और नीचे 12-13 हज़ार फीट नीचे जो है वो नदी में गिर गए, जिसकी जानकारी मिल रही है। मित्रों, संकट के इस समय में जब सीमा पर तनातनी है, पूरे देश को एकजुटता का परिचय देने की जरूरत है। राजनीति बाद में होती रहेगी, हर समय राजनीति नहीं होती। जब 62 में चीनी हमला हुआ और उस समय करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर जो भारत की जमीन थी, जो अक्साई चीन के नाम से जानी जाती है, वो आज भी चीन के कब्जे में है। उस समय पूरा देश पंडित नेहरू के पीछे खड़ा था। तो चाहे वो 67 की लड़ाई हो, 65 की लड़ाई हो, पूरे देश ने एकजुटता का परिचय दिया है। इसमें सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि आरोप प्रत्यारोप करने का समय नहीं है, ये सवाल पूछने का समय नहीं है। ये हमारे जो सैनिक, बहादुर सैनिक जो शहीद हुए हैं, जिन लोगों ने शहादत दी है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि खून बेकार नहीं जाएगा। अरे भैया, थोड़ा ये कम करवाइए ना, उतरवाइए ना, इन्हों में से घर वाले लोग, गाँव वाले लोग को बोलिए ना। बड़का बच्चा भी खोज में है। हाँ, माने हम बहुत माने नीचा किसान है, हाई फाई किसान नहीं है, और बहुत मेहनत से बच्चा को पोसा। आई वर्दी देखे ना, हमको बहुत अच्छा लगा। तो हम देखे जो बच्चा के पोसेंगे, हमारा भी बच्चा चल जाए वर्दी में ना, देश के सेवा में तो अच्छा रहेगा। वर्दी का बहुत अच्छा लगता है, इसलिए बच्चा को कहे तुम भी वर्दी का ख्याल करो और देश के सेवा में तुम लोग जाओ। कारण जो बहुत हमको अच्छा लगता है, बच्चा कहा जो ठीक है पापा, हम पढ़ाई लिखाई के दौरान पढ़ लेंगे, आइए सिपाही किया दोनों अच्छा यही रहते हैं सिक्किम नंद किशोर। इधर आए नंद किशोर जी।